पूरे देश में लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के खतरे के हिसाब से पूरे देश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेड जोन, जहां पर इन्फेक्शन के काफी मामले सामने आए हैं। ऑरेंज जोन, जहां पर इन्फेक्शन के मामले सामने तो आए हैं लेकिन पिछले 14 दिनों से किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है। और ग्रीन जोन, जहां पर इन्फेक्शन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों से किसी भी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है। तो लॉकडाउन 3 में इन तीनों जोन्स में क्या क्या छूट दी गई है और क्या क्या पाबंदियां अभी भी बाकी है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हालांकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा लेकिन फिलहाल 3 मई से लेकर 10 मई तक यही संख्या रहेगी। अगर बात करें रेड जोन की तो ये सबसे खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्फेक्शन की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से किसी दूसरी जगह इन्फेक्शन के बढ़ने का डर काफी ज्यादा है। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी को चलाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ पर बसें भी नहीं चलेंगी। लेकिन निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की परमिशन होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। टू व्हीलर की सिचुएशन में सिर्फ चलाने वाले को ही आने जाने की परमिशन होगी, यानी उसके पीछे कोई और नहीं बैठ सकता। अगर बात करें शहरी रेड जोन की तो कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ वहीं पर होगा जहां मजदूरों के रहने का इंतजाम होगा, वो बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। इनमें जरूरी और गैर जरूरी का फर्क नहीं किया गया। ई कॉमर्स को केवल जरूरी सामान की सप्लाई करने की परमिशन होगी, गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी प्राइवेट ऑफिस को खोलने की परमिशन है लेकिन 33% स्टाफ के साथ काम करेंगे, बाकी स्टाफ घर से काम कर सकता है। सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे जहां उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से ही काम चलाना होगा। डिफेंस, हेल्थ, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, NIC, कस्टम, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र पूरी छूट रहेगी। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण रेड जोन की तो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की इकोनॉमिकल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और ईंट भट्टे शामिल है। सभी दुकानें खुली रहेंगी और खेती से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज पूरी तरह से चालू रहेगी। आंगनबाड़ी के साथ साथ ही महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए बने आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। और सबसे खास बात कि यहां पर कूरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाजत होगी। अगर हम बात करें ऑरेंज जोन की तो वो जिले जिन्हें ना तो लाल रंग और ना ही हरे रंग से डिफाइन किया गया है, उन्हें ऑरेंज जोन माना जाएगा। जब किसी रेड जोन में पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड जोन से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से इन्फेक्शन के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वो केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। टू व्हीलर पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है जो कि रेड जोन में नहीं है। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की परमिशन रहेगी, लेकिन बसों को यहां पर चलने की परमिशन नहीं दी गई है। अगर हम बात करें ग्रीन जोन की तो ग्रीन जोन में वो जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है या पिछले 21 दिनों से किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इस जोन का मतलब है इन्फेक्शन मुक्त। हालांकि ग्रीन जोन में कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना भी जरूरी है। ग्रीन जोन वाले इलाके में नेशनल लेवल पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की यहाँ पर पूरी तरह से छूट होगी। यहाँ पर 50% सवारी के साथ बसें चलाने की परमिशन होगी, वो ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में आ जा भी सकेंगी। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। ई कॉमर्स से सभी सामानों की डिलीवरी भी होगी। अब हम बात करते हैं उन पाबंदियों की जो 17 मई तक पूरे देश में लागू होगी, चाहे वो ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या फिर ऑरेंज जोन हो। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन धारा 144 भी लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई जहाज, मेट्रो, इंटर स्टेट बस सेवाएं भी नहीं चलेंगी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल सब बंद रहेंगे। रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह से ही प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वो सिर्फ जरूरी काम के लिए या फिर इलाज के लिए ही बाहर आ जा सकते हैं। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी पूरे एरिया में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की परमिशन है। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। इन्हें इस बात का खासतौर पर ध्यान रखना होगा कि एक ही समय में दुकान पर 5 ही लोग रहें और 6 गज की दूरी पर हो। अगर हम बात करें कंटेनमेंट एरिया की, तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन वो शहरी इलाके में किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता। सुविधा के हिसाब से प्रशासन किसी मोहल्ले, थाने या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। इसी तरह से ग्रामीण इलाके में ये कम से कम पूरा गांव और ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का मोबाइल में डाउनलोड करना जरूरी होगा, ताकि कोरोना के फैलने की आशंकाओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। कंटेनमेंट एरिया में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। वहां पर सिर्फ किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही घर से बाहर निकला जा सकता है, या फिर जो जरूरी सामानों की डिलीवरी करते हैं वो ही बाहर आ जा सकते हैं। अगर बात करें रेलवे की, तो सरकार ने फंसे हुए स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स और टूरिस्ट वगैरह को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की परमिशन दी है। इसके तहत 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन दी गई है। आगे भी रेल मिनिस्ट्री और राज्यों की रिक्वेस्ट पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रेन चला सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। सो गाइस, ये काफी सीरियस सिचुएशन है, इसलिए आपको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बिना जरूरत आप घर से बाहर मत निकलिए। घर से बाहर निकलते समय आप मास्क जरूर पहनिए और साथ ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए, मतलब के दूसरे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बना करके रहनी है। इसके अलावा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखना है, जिससे कोरोना से लड़ने में काफी हेल्प मिलेगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।